हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईपीएल चैंपियंस पर, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे आईपीएल की नई दुनिया में, जहां बड़े बड़े बदलावों की हवा चल रही है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स में कप्तानी की कमान अब नए हाथों में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बड़े फैसले पर एक नजर डालते हैं। आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब लंबे समय से टीम की कप्तानी संभाल रहे महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बनाया गया। उन्हें आईपीएल की शुरुआत से ठीक पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन सीएसके ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। सीएसके अपना पहला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेंगी। धोनी की कैप्टनसी में टीम ने पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस को फाइनल में करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी के पर कब्जा जमाया था। अब सीएसके को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में टीम की कैप्टनसी करते नजर नहीं आएंगे। ये पहली बार नहीं है कि धोनी ने इस जिम्मेदारी से किनारा किया है। इससे पहले आईपीएल 2022 में भी टीम मैनेजमेंट ने कप्तानी में बदलाव किया था। तब स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को धोनी की जगह कप्तान बनाया गया था। हालांकि वह इस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभा पाए थे और लीग मैचों में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने टीम का साथ 20 सीजन में ही छोड़ दिया था और कप्तानी से भी रेजिग्नेशन दे दिया था। इसके बाद धोनी ने एक बार फिर टीम की कमान संभाली थी। पिछले सीजन में टीम ने अपनी 5वीं ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल 2024 सीजन के लिए हुए कप्तानों के फोटोशूट में धोनी नहीं पहुंचे थे, उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को देखा गया था। तब से ही सीएसके की कप्तानी में बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे। गुरुवार को सीएसके ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में इस बात की पुष्टि कर दी कि चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को करेंगे। वहीं पंजाब किंग्स ने भी आईपीएल 2024 सीजन से पहले बड़ा डिसीजन लेते हुए जितेश शर्मा को टीम का वाइस कैप्टन बनाया है। उन्हें शिखर धवन की जगह कप्तानों के साथ फोटोशूट कराते देखा गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम की कप्तानी में हुए बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि धोनी की जगह युवा ओपनिंग बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ को टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 27 साल के एक प्लेयर 2019 में टीम के साथ जुड़े थे। उन्होंने अब तक खेले 52 मैचों में 1797 रन बनाए हैं और इस टूर्नामेंट में उनके नाम 1 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरीज हैं। पिछले सीजन में पुणे के इस बैट्समैन ने सीएसके के लिए 16 मैचों में 590 रन बनाए। चेन्नई को ट्रॉफी दिलाने में इस यंग प्लेयर का भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था। ये पहली बार नहीं है कि धोनी ने अचानक किसी फैसले से सबको चौंकाया। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टेस्ट और वनडे की कप्तानी धोनी ने अचानक ही छोड़ दी थी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि चाहे इंटरनेशनल करियर हो या आईपीएल करियर, धोनी की कैप्टनसी के रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब टीम इंडिया 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई थी, तब एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट में धोनी इंजरी की वजह से नहीं खेले। दूसरे टेस्ट में उन्होंने वापसी की और कप्तानी की। दूसरे टेस्ट के बाद धोनी ने अचानक टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। उस डिसीजन से इंडियन क्रिकेट के सभी फैंस को चौंका कर रख दिया था। ऐसा ही कुछ 2017 में हुआ। 2017 में धोनी ने अचानक से वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि वह 2019 वर्ल्ड कप तक लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते रहे। इसके बाद एक साल तक धोनी ने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे या नहीं। 15 अगस्त 2020 को शाम 7 बजे के आसपास धोनी ने अचानक से वनडे और टी20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फैंस के लिए काफी दुखद पल था। अब आईपीएल में भी धोनी ने कुछ ऐसा ही किया है। माना जा रहा है कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है। इसके बाद वे शायद आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। यानी चेन्नई सुपर किंग्स के फॉर्मर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने आईपीएल करियर का आखिरी सीजन खेलते नजर आ सकते हैं। कप्तानी में अचानक हुए बदलाव के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वह इस सीजन के बाद आईपीएल से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने 2012 मैचों में चेन्नई की कप्तानी संभाली है। उनके अलावा सुरेश रैना ने 5 मैचों में और रविंद्र जडेजा ने 8 मैचों में सीएसके की टीम की कैप्टनसी की है। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने की खबर ने सभी को चौंका दिया। इस खबर ने सीएसके ही नहीं बल्कि हर क्रिकेट लवर को निराश कर दिया। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस काफी इमोशनल हो गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी उन इंडियन स्टार प्लेयर्स में शामिल हैं जो 2008 में आईपीएल के पहले सीजन से ही इस टूर्नामेंट से जुड़े रहे हैं। इन्होंने लंबे समय तक अपनी टीम की कमान संभाली है। धोनी और रोहित तो आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में भी शामिल हैं। उनकी कैप्टनसी में टीम ने कई बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती, लेकिन अब ये तीनों प्लेयर्स आईपीएल में सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर ग्राउंड पर उतरेंगे। सबसे पहले विराट कोहली ने,
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की कप्तानी छोड़ी थी। उन्होंने 2022 सीजन से पहले ये डिसीजन लिया था और उनकी जगह फाफ डुप्लेसी को आरसीबी का कप्तान बनाया गया था। वहीं मुंबई इंडियंस ने 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी और लंबे समय तक टीम की कमान संभाल रहे रोहित को कैप्टनसी से रिलीज किया। अब धोनी ने ऋतुराज को अपना रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है। धोनी के कप्तानी से हटने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने निराशा जताई। ज्यादातर फैंस इस बात से निराश हुए कि अब उनके फेवरेट प्लेयर्स कोहली, रोहित और धोनी को वे कप्तान के रूप में नहीं देख सकेंगे। एक यूजर ने यहां तक लिखा कि ये सुपरस्टार प्लेयर्स के गोल्डन एरा का एंड है। कुछ इसी तरह का रिएक्शन अन्य फैंस का भी रहा। अब टीम का कार्यभार ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर है। उन्होंने 2019 में सीएसके के लिए डेब्यू किया था। अब तक खेले गए 52 मैचों में स्टार प्लेयर ने 135.52 के स्ट्राइक रेट से 1797 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनके नाम 1 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी दर्ज हैं। पिछले सीजन में इस बैट्समैन ने सीएसके के लिए 16 मैचों में 590 रन बनाए। वे सीएसके के लिए हाईएस्ट रन बनाने वाले 7वें बैट्समैन हैं। 27 वर्षीय इस बैट्समैन ने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2017 में डेब्यू किया था। इस फॉर्मेट में उन्होंने 19 मुकाबले अब तक खेले। इनमें गायकवाड़ ने 140.05 के स्ट्राइक रेट से 500 रन बनाए। इसमें उनके नाम 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी दर्ज है। इससे पहले गायकवाड़ को टीम इंडिया की कैप्टनसी करते देखा जा चुका है। पिछले साल चीन के नेतृत्व में खेले गए एशियाई खेलों में उन्होंने टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था। इस प्लेयर ने इंडिया के लिए 6 वनडे मैचों में 115 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनका हाईएस्ट स्कोर 115 रन का रहा है। इंटरनेशनल करियर में धोनी ने 300 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की है और उसमें उनकी जीत का परसेंटेज 50% से ऊपर रहा। वनडे, T20 और टेस्ट मिलाकर धोनी ने 332 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली। इसमें 178 मैचों में जीत मिली जबकि 120 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का खिताब अपने नाम किया था। वहीं आईपीएल की बात करें तो धोनी ने 2008 यानी पहले सीजन में ही चेन्नई की कप्तानी संभाली थी। पिछले 16 सीजन में धोनी ने 2012 मैचों में सीएसके की कप्तानी की। इसमें से चेन्नई ने 128 मैच जीते और 82 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच बेनतीजा रहे। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 आईपीएल ट्रॉफी जीती और 2 चैंपियंस लीग 2010 और 2014 का खिताब अपने नाम किया। एक सीजन 2016 वह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर धोनी ने सभी प्रतियोगिताओं आईपीएल और चैंपियंस लीग को मिलाकर 235 मैचों में सीएसके की कप्तानी की। सीएसके की जीत की कंटिन्यूटी ऐसी थी, धोनी की कैप्टनसी में टीम केवल 2 सीजन 2020 और 2022 में टॉप 4 से बाहर रही, जबकि 2010 से 2013 तक लगातार 4 वर्षों समेत कुल 10 बार टीम फाइनल में पहुंची। उन्होंने 2016 और 2017 में सीएसके के आईपीएल से 2 साल के बैन के दौरान 14 मैचों के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की भी कप्तानी की। कुल मिलाकर उन्होंने 226 आईपीएल मैचों में सीएसके टीम की कैप्टनसी की, जो कप्तानी लीडर बोर्ड में उन्हें रोहित शर्मा 158 से आगे रखता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा धोनी स्पेशल वीडियो, जहां हमने चर्चा की आईपीएल 2024 के सबसे बड़े बदलाव पर। ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर अब सीएसके की कप्तानी की भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए धोनी के सपनों को साकार कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।